देखिए दोस्तों, ये दोस्तों का मसीहा धीरज बोर से बड़े दिल वाला। नमस्ते गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी भाई लोग सब मजे में होंगे। डे शेयर करने वाला हूँ मैं क्या क्या करता था मतलब कर रहा हूँ। एंड अभी फिलहाल के लिए मुझे जाना है कटिंग के लिए। ओके भाई साहब, आपको अगर पता होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, बट मैंने एक ब्लॉग उसके लिप पर भी बना दिया है मेरे कटिंग के ऊपर। एंड मैं कटिंग करने के लिए जाता हूँ अपने साहिल भाई के पास। एक्चुअली गाइस, प्लान तो सुबह ही निकल जाने का था, बट किसी कारणवश मतलब कल के वीडियो की एडिटिंग कर रहा था मैं बागेश्वर मंदिर के, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाया। ओके भाई साहब, फाइनली वी रीच टू द साहिल भाई कटिंग शॉप। अरे बाप रे, साहिल भाई ने क्या नया नया शॉप बना दिया है। और कैसे है ना भैया ने अपने नए नए शॉप बनाए, तो फिर इसका कुछ सिनेमैटिक देख लो। ऊपर में नहीं डालता हूँ, मैं यूट्यूब पर डालता हूँ। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अभी मुझे जाना था पुणे पिंपरी चिंचवड, मेरा फ्रेंड देवेंद्र उसके टीथ का चेकअप करना है, और अभी टायर पंचर हो गया। पंचर मतलब यार हवा जा रही निकल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, देखते हैं क्या। दोस्तों हाय, तुषार मैं इसलिए हैंडल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो धीरज भाई है आज बहुत परेशान लग रहे हैं। गाड़ी अभी तक गाड़ी लेके गए और अभी तक हम वहाँ से फ्लैट से यहाँ तक पैदल चल के आ रहे हैं। देखो अभी तक हम पैदल चल रहे हैं। पूरा सीन बता दे कहाँ पर जा रहे हो, बता। ये धीरज भाई की गाड़ी आ गई है, यहाँ तक पैदल आना पड़ा हम लोग। दोस्तों धीरज भाई की गाड़ी अभी मिल चुकी है हम लोगों को, और अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं धीरज भाई? अभी बात ऐसी है भाई, अपना देवेंद्र भाई के टीथ का काम करने का है, इसलिए चिंचवड़ जा रहे हैं। चिंचवड़ हाँ, करंटली ये दिन खराब कासरवाड़ी। वहाँ पर ये हाजिर हो जाता है। अभी बात ऐसी है कि उसने मुझे चिंचवड़ पर बुलाया और मैं वहाँ पर वागोली से चिंचवड़ जा रहा है। चिंचवड़ का अंतर नज़दीक 1.5 घंटा, वहाँ पर जाते जाते लग जाता है, फिर भी जा रहा है। बहुत खतरनाक क्या था यार। Currently I am here at Bombay Sappers. तुषार बाबा ने अपने हाथ में कैमरा पकड़ा है और मैं माइक कैमरे के सामने जाके बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी आपको ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी आ रही होगी, बट एक्चुअल सीन कुछ ऐसे ही भाई। तो फिर पहुंच चुके हैं हम अभी कासरवाड़ी नासिक फाटा, यहाँ पर देवेंद्र मेरा वेट कर रहा है। तो लेट्स सी कहाँ पर है वो, देखते। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों का मसीहा धीरज बोर से बड़े दिल वाला। करंटली आई एम एट माई वर्क प्लेस और अपने देवेंद्र भाऊ को मैं अपने पुराने वीडियोस दिखा रहा, किस तरह से मैं शादी में जाके वेटर वगैरह बना था। तो यही वो जगह है जहाँ पर मैं एडिटिंग करता हूँ वेडिंग हाईलाइट्स के लिए, लाइक कोई भी तरह की एडिटिंग, एड एडिटिंग वगैरह। लाइक डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट का टाइम चेंज कर दिया है, अपॉइंटमेंट हमारी 5:30 बजे है, तो फिर 5:30 बजे हम यहाँ से जाएंगे। देखो कैसा बंदा था ये, किस तरह का कैमरा यूज़ करता था, अभी इसके पास GoPro आ गया है।
डेंटल क्लिनिक देख सकते हैं। हमारे देवेंद्र भाऊ थोड़े से नर्वस होते हुए समोर लाइट होते हैं ना, त्यामुळे क्लियर दिसत नाही ते। तो भाई लोग की ये वीडियो इतना भी कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा, क्योंकि भाई ये मेरी डेली लाइफ है, ये मेरी डेली लाइफ है, मैं ऐसा ही हूँ, ये सब चीज़ें मेरे साथ में चलती रहती है। सो इफ़ यू वॉन्ट डेली ब्लॉग्स देन वीडियोस कुछ इस तरह से आएंगे एंड अच्छे वाले भी आएंगे, सब आएंगे। करंटली ये फाइनल रेंडर चालू है मेरा, ये रेंडर होने के बाद अभी मैं जा रहा घर पर, यहाँ से 1 hour की दूरी पर है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अभी मैं जा रहा मुंबई 3 बजे, उसका भी आ जाएगा ब्लॉग, काय को टेंशन लेते, आएगा, मिलते। एंड करून दिला होता पण आता परत चालू करावा लागतोय, कारण की मी इथं हे खायला आलेलो होतो आमच्या इंको तो पहिचान दे ना, इंका इंका इनकी बात ही अलग है। और ये भाई साहब अभी नए दिखेंगे, ये भाई साहब भी दिखने वाले आपको हर ब्लॉग में दिखने वाले। तो फिर ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।